इसका जो गियर है ना, गियर में आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं ना, हाँ ये पॉइंट, उसके इसके अपर वाला जो है ना, ये अपर वाला पॉइंट वो जस्ट इसके अपोजिट में रहेगा, सामने रहेगा। अगर जरा भी रॉन्ग होएगा तो गाड़ी अपना स्टार्ट नहीं होएगा। ये भी नया इसको एकदम परफेक्ट उसके सामने ही रखना है। जो पॉइंट देख रहे, ये जो गियर में जो पॉइंट है, और फिर इसका जो ये टाइमिंग ना टॉप पे लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद उसके पास ये आप जो पुल्ली में कट देख रहे हैं ना, कट्टी ये टॉप के एरो के सेंटर में रहना चाहिए। फिर वो जो गियर था, वो गियर को एकदम से अपोजिट में रखना रहता है वो पॉइंट के सामने, पर टाइमिंग पे लेके ही उसको सेट करना रहता है। अगर रॉन्ग शॉट सेट करोगे तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा ही नहीं गाड़ी। मतलब क्रैंक का टाइमिंग लेके फिर उसको उसको वैसा सेट करना है। तो ये देख सकते हैं आप, पंप का भी टाइमिंग जस्ट सामने है, इसमें लॉक होता है एक इसमें 10 mm के बोल्ट से, और फिर ये कैम का है, इसमें लॉक होता है। ये इसका टाइमिंग है, अभी मैं इसको ड्राइवर डाल के दिखाता हूँ आप लोग को। ऐसा क्लियर दिख नहीं रहा है ना, जगह नहीं है इसके लिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने भी स्क्रू ड्राइवर से लॉक किया है। तो क्या टाइमिंग पे लेके उसको सेट कर।